जब भी हमने स्टूडेंट वीजा फाइल करना होता है यूके का, तो ऑब्वियसली हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और आगे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके आगे भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीमा इफ्तिखार फ्रॉम अपमार्क, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें चाहिए होते हैं अगर हम यूके का स्टूडेंट वीजा फाइल करने लगे। जब भी हमने स्टूडेंट वीजा फाइल करना होता है यूके का, तो ऑब्वियसली हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और आगे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके आगे भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो अगर हमें पहले से ही पता हो कि हमें किस टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे लिए जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगा, और हम 11th आवर कुछ भी नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। यूके का जो वीज़ा आपको मिलता है ना, जो आपको वीज़ा ग्रांट होता है, जो वीज़ा इशू होता है, वो आपको होता है 70 पॉइंट्स पे। मीन्स आपके 70 पॉइंट्स पूरे हो तो आपको वीज़ा इशू हो जाता है, अनलेस अनटिल आपका इंटरव्यू, और खुदा ना खास्ता आप इंटरव्यू गलत दे दें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि 70 पॉइंट्स पूरे कहाँ से होते हैं? 50 आपके कैश के, 10 आपकी बैंक स्टेटमेंट के, और 10 आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के। अब यहाँ पे बेशक आपने प्रोफिशिएंसी लेटर दिया हुआ, मीन्स कि यूनिवर्सिटी ने चाहे किसी भी तरीके से आपकी इंग्लिश असेस कर ली, वो 10 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, आइदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से, आयल से, लाइक सेंटर बेस्ड टेस्ट से, या जो ऑनलाइन टेस्ट है उधर से। बस अगर आपकी कैश पे लिखा हुआ आ गया कि ये आपकी इंग्लिश असेस होगी, तो आपके ऑटोमेटिकली 60 मार्क्स बन जाते हैं। और जो 10 बैंक स्टेटमेंट के, ऑब्वियसली जो भी आपका फॉर्मूला है, रिमेनिंग फी प्लस लिविंग एक्सपेंस, अगर यूनिवर्सिटी लंदन में है तो 12006, और अगर आउटर लंदन में है तो 9206, ये आपकी लिविंग एक्सपेंस है जो मेन एप्लीकेंट को रिक्वायर्ड होते हैं। ये आपके जो है इस फॉर्मूले के साथ आपकी स्टेटमेंट कैलकुलेट होती है, और जिस टाइम आपका कैश अप्लाई करना है ना, कन्फर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, उस टाइम ये आपकी 28 डेज मच्योर होनी चाहिए कंजेक्टिवली। जितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है वो 28 डेज तक होल्ड होने चाहिए, और तब से लेकर आपको तब तक आपके एटलीस्ट फंड्स जो आपके अकाउंट में होने चाहिए, जिस टाइम तक एटलीस्ट आपका वीजा इशू नहीं हो जाता, फिर उसमें से भी आप थोड़े बहुत पैसे निकलवा भी ले तो खैर है, लेकिन अगर आप इन 28 दिन के अंदर से कुछ थोड़े बहुत पैसे निकलवा भी लेते हैं ना, तो वो फिर आपकी स्टेटमेंट इमेच्योर हो जाएगी, और दोबारा से आपको नए सिरे से उसको मेच्योर करना पड़ेगा, फिर 28 दिन का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑफर लेटर के लिए सिर्फ आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ही चल जाते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको बहुत, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो इट्स ऑल राइट, आप अपने सिर्फ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्लस पासपोर्ट देकर, अगर उसमें से भी कुछ मिस है तो वो देकर आप अपना जो है कंडीशनल लेटर जो है वो प्रोसीड करवा सकते हैं। फिर आते हैं दूसरी तरफ आपकी जो है क्या उसे कहते हैं कैश के लिए, क्योंकि एक दफ़ा ऑफर लेटर आ गया। अच्छा, अगर आपने कंडीशनली प्रोसीड कराया देन आपका इंग्लिश टेस्ट, आइदर इट्स आइल्स, पीटी, व्हाटएवर, कोई भी टेस्ट है वो प्रोवाइड करना है आपने, देन आपका आ जाता है, जब वो सारा आपने प्रोवाइड कर दिया, आपका अनकंडीशनल आ गया, देन आपने अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करनी है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में क्या आ गया कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 28 दिन पुरानी प्रोवाइड करनी है, प्लस आपका जो भी यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिकली इनिशियल डिपॉजिट है वो पे करना है। जब आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट होगी, देन अब आपका कैश अप्लाई हो गया, कैश रिक्वेस्ट हो गया। जब आपका कैश आएगा, कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज जो कि आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जिसकी बेसिस पे आप वीजा फाइल करते हैं, ऑब्वियसली जब हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब हमने एक वीजा फाइल करना होता है, या अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हटकर भी देखा जाए, जब भी हमने लॉन्ग टर्म वीजा फाइल करना होता है, तो हमें उसकी उस कैटेगरी के लिए, जिस भी कैटेगरी में हमने अप्लाई करना है, वहां से स्पेसिफिकली हमें कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी ही सिर्फ राइट रखती है आपको स्टूडेंट वीजा स्पॉन्सर करने का, वो भी सिर्फ वो वाली यूनिवर्सिटी जो कि वहां पे जिनके पास Tier 4 का लाइसेंस होता है। अगर कैश हमारा हो गया, कैश हमारा आ गया, कैश आ गया मीन्स के ऑटोमेटिकली हमारे 60 पॉइंट्स पूरे हैं। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लेती है, तो ऑटोमेटिकली 70 भी पूरे, बट हमने उस टाइम के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखना है कि क्या आपकी स्टेटमेंट अभी भी जो है रिक्वायर्ड अमाउंट बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि अगर 5-7 पाउंड भी कम हुए तो आपको 10 पॉइंट्स नहीं मिल रहे। तो ये मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप अपने फंड्स होल्ड करवाना चाहें तो आप जो है एटलीस्ट 2-3 लाख रुपए का मार्जिन रखा करें, ज्यादा रखा करें, ताकि अगर कोई रेट फ्लक्चुएट भी करता है तो आपकी स्टेटमेंट पर कोई फर्क ना पड़े। इसके अलावा यहाँ पे आप
बात कर लेते हैं कि आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मेन बात बताने लगी हूँ। अगर तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लाइक आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, वो आपके पेरेंट्स के नाम पे है या आपके पेरेंट्स की है, देन आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अरेंज कर लें। यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है वो ये आती है कि बच्चों को लगता है बर्थ सर्टिफिकेट और बी फॉर्म एक ही चीज़ है। नहीं, बी फॉर्म एंड बर्थ सर्टिफिकेट आर इंटायरली डिफरेंट। आपने जो प्रोवाइड करना होता है यूनिवर्सिटी को, वो बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव देन बर्थ सर्टिफिकेट। आपने हर हाल में बर्थ सर्टिफिकेट ही प्रोवाइड करना है। सही है, पहली बात। दूसरे नंबर पे हम अगर देख लें, बर्थ सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड कर दिया यूनिवर्सिटी को, अगर तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपके पेरेंट्स की है, और आप अपने पेरेंट्स और अपने नाम, अपने अलावा किसी की भी जो है बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू UKVI रूल आपके पेरेंट्स ही सिर्फ आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। सही है, तो टेक्निकली आपके पेरेंट्स से आप में से किसी की लगेगी, अगर तो आपके पेरेंट्स की है। ठीक है, अभी हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो आपके पेरेंट्स की है, देन आपको क्या चाहिए? एफिडेविट चाहिए, आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट वो चाहिए, आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, देन आपको ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट एंड मेंटेनेंस लेटर। दैट्स इट, ये तीन चीजें चाहिए बैंक स्टेटमेंट के साथ। ये दो चीजें आपकी सपोर्टिंग होती है, एक आपका एफिडेविट और दूसरा आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर तो पैरेलल देख लें कि स्टेटमेंट आपकी अपनी है, देन आपको ये दोनों चीजें डेफिनेटली नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगेन बर्थ सर्टिफिकेट और बी फॉर्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और दूसरे नंबर पे उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। तीसरे नंबर पे हम FRC यूज नहीं कर सकते एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इसके अलावा आपने अपना ISPT, अगर तो आपने सेंटर बेस्ड टेस्ट किया, लैंग्वेज सर्ट OITC किया है, तब आपने अपलोड नहीं करना होता पोर्टल पे। अगर तो आपका सेंटर बेस्ड टेस्ट है, देन यू हैव टू अपलोड योर लाइक IELTS और PT टेस्ट स्कोर एज वेल। इसके अलावा आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका ID कार्ड, उसके अलावा आपका कैश लेटर, उसके अलावा आपका TB टेस्ट, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपके जो है अपलोड होती है। कि मैंने मेन एप्लीकेंट का बताया, मैंने यहाँ पे डिपेंडेंट का जो है वो जिक्र नहीं किया। मैं डिपेंडेंट का जो है वो एक अलग सेपरेट वीडियो बना लूंगी, ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको मैंने बता दिया कि ऑफर लेटर के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैश के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अनकंडीशनल के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब आपकी वीजा एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, लॉन्च होने के बाद आपने अपॉइंटमेंट ली और आप बायोमेट्रिक्स के लिए चले गए। एंड एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक्स यू हैव टू प्रोवाइड योर अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। वो आपकी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे आपका सबमिट होता है वहां से डाउनलोड होती है, ठीक है, 5 पेजर्स होती है। देन आपका पासपोर्ट, ये तीन चीजें आपको चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पोर्टल पे अपलोड हो जाते हैं, इनकी जो है डिजिटली असेसमेंट हो जाती है। आपने सिर्फ वहां जाना होता, अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट साइन करके देनी होती है, अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन जो है वो आपने दिखाना होता है, एंड दैट्स इट। आप जब आ जाते हैं लाइक अपना पासपोर्ट सबमिट करके, फिर उसकी जो प्रायोरिटी वीजा है वो तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और जो नॉर्मल ये वीज़ा एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो प्रॉबेबली 2 वीक्स में जो है दे रहे हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपने प्रायोरिटी को चूज़ करना है या नॉर्मल वीज़ा एप्लीकेशन सर्विसेज लेनी है। अच्छा, नॉर्मल वीज़ा एप्लीकेशन की वही वही फी है 370, और अगर आपने साथ प्रायोरिटी करना है तो प्लस 250, 210 है या 230 है, ये मैं डबल चेक कर लेती हूँ। तो ये आपने फ़ी पे करनी होती है एक्स्ट्रा अगर आपने प्रायोरिटी सर्विसेज लेनी है तो। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, प्लस यू कैन अप्रोच अस ऑन व्हाट्सएप एज वेल, जहाँ पे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइदर इट्स यू नो स्टडी इन UK, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन कैनेडा, स्टडी इन USA, व्हाटसोएवर, किसी भी कंट्री के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्रीज हम मलेशिया, दुबई और आयरलैंड, इनको भी डील करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ अंटिल नेक्स्ट टाइम।